नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने YouTube चैनल पी एस क्लास में स्वागत है। दोस्तों फाइनली बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के मॉक टेस्ट 5 लेके आ गए। इससे पहले हम आपको चार टेस्ट प्रोवाइड कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिए जहां से आप चार टेस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के एग्जाम में बार बार प्रश्न जो पूछा जाता है, तो टॉप 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे और 50 में आप लोग बताइएगा आपका कितना सही हो रहा है, क्योंकि निगेटिव मार्क भी लेके चलना है। तो दोस्तों सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, टेस्ट देने से होगा। टेस्ट दीजिएगा उसके बाद ही पता चलेगा आपका तैयारी कैसा है। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह 50 प्रश्न आपका कितना सही हो रहा है, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों मॉक टेस्ट 4 में हम लोग 50 प्रश्न कवर कर चुके थे, चलिए 51 प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है, तो विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह में प्राकृतिक उपग्रह है, तो दो है। अगला देख लीजिए 53 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है, तो मुंबई में। आगे देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी, तो लुई पाश्चर ने खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था, 1896 ईस्वी में शामिल किया गया था। 56 नंबर प्रश्न है, वह कार्य जो वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है, तो जमा स्वीकार करना। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 57 नंबर प्रश्न, सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है, तो भरतनाट्यम। नेक्स्ट प्रश्न है, सतह के एक इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को कहा जाता है, तो दबाव कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश तो रूस हो गया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जनसंख्या के मामले में भी विश्व में पहला स्थान कौन सा देश का है, आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए। 60 नंबर प्रश्न है, जल निकायों में मेडिको द्वारा थायरोक्साइन हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, आयोडीन आवश्यक होती है। 61 नंबर प्रश्न है, क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ है, तो लैंग बिफोर विकेट। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वियतनाम की राजधानी है, तो हानोई। नेक्स्ट प्रश्न है, उपकरण पोमेल हॉर्स जिस खेल से जुड़ा हुआ है, तो जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ है। 64 नंबर प्रश्न है, पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में जिन नियमों या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए योजना शुरू की गई, तो स्वयं सहायता समूह देख लीजिए जो गाँव घर में चलता है, स्वसहायता समूह जिसे हम कहते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को जोड़ता है, तो सिलचर जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए यह आपको करंट का सवाल है, इसको नहीं देखना है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्योंकि अलग से हम करंट का वीडियो लेके आ जाएंगे। सफर स्वतंबर जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला है, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती है वे कहलाती है स्थानिक प्रजातियां। नेक्स्ट देख लीजिए, ये सवाल को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, प्रजातियां जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती है वे कहलाती है स्थानिक प्रजातियां। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 97, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को और किस नाम से जाना जाता है, तस्मेश के नाम से जाना जाता है, समेस जिसको कहते हैं। अगला है, भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है, तो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देख लीजिए 72 नंबर प्रश्न है, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था, तो वारेन हेटिंग्स को नियुक्त किया गया था। 74 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा रखा गया है प्रश्नकाल उसे हम कहते हैं। 75 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 1765 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र अधिकार था, तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देख लीजिए अगला है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, तो 1926 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, गेलोरा बुंग कर्नो जिसको GBK स्टेडियम कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 69 नंबर है, हुआ लोकप्रिय पॉलिएस्टर जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो पॉलीएथिलीन हो जाएगा और टेरे फेफ्थलेट।
देख लीजिए अगला है फिट का भारत अधिनियम पारित किया गया था तो 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाबी भाषा की लिपि है तो गुरुमुखी लिपि है। अगला देखिए कालबेलिया डायसरा से है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है तो राजस्थान से। नेक्स्ट प्रश्न है वह मुगल शासक जिसने दीनपना नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका इसका हो जाएगा इसका आंसर 83 हो जाएगा हुमायूं के द्वारा। अगला देखिए हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया गया था इसका हो जाएगा तप्त मिट्टी की ईंटें। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 85 नंबर प्रश्न है अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एशिया यूरोप में सबसे कम भूमि क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट प्रश्न है वह मौलिक अधिकार जिसके तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो का मंदिर है। 88 नंबर प्रश्न यदि तरल में केवल पानी हो तो मिश्रण को कहा जाता है संपार्श्विक मिश्रण। 89 नंबर प्रश्न है भारत का अधिकांश भाग कवर करने वाली मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी। 90 नंबर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर आर्गन में से आणविक अखंड है तो आर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला देख लीजिए 93 नंबर प्रश्न क्षय रोग और टीबी रोग होने का कारण है तो बैक्टीरियल। 94 नंबर है कोलरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है तो गोदावरी और कृष्णा नदी पाई जाती है। 95 लोकसभा में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या 2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कोशिका के नाभिक की खोज किया था तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोज किया गया था। 97 नंबर प्रश्न देख लिए अशोक स्तंभ सिंह स्थित है तो सारनाथ में स्थित है। 98 प्रश्न है लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है तरह यौन इसको कहा जाता है। 99 प्रश्न देखिए ये भी आपका करेंट का है तो इसको नहीं देखना है 2016 करेंट है। अगला देखिए 100 नंबर प्रश्न है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है इसका आंसर 100 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। देखते हैं कितना स्टूडेंट कमेंट के माध्यम से आंसर देते हैं तो दोस्तों देख लीजिए समय एक बार देख लीजिए जो 8 मिनट में आपको 50 प्रश्न हम कवर करवा चुके हैं तो आप लोग बताइएगा 50 में आपका कितना सही है कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा तो आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो का टारगेट है 500 लाइक अगर 500 लाइक आप लोग पूरा आते हैं तो पर डे आपको वीडियो मिलेगी और पर डे इस टॉपिक पर आपको 50 प्रश्न मुश्किल से हमको 8 मिनट लगता है 50 प्रश्न की वीडियो बनाने में तो पर डे हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अभी तक अगर PTF चाहिए तो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो PHTE का इसके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन किए तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कीजिए जहाँ पर फ्री में आपको PDF मिलेगा। थैंक यू।